अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोनिस अख्तर फैज़ी हाज़िर खिदमत हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन इकराम, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि पबजी आपसे किस तरीके से शिर्क करवा रहा है। आपने देखा होगा जो लोग पबजी खेलते हैं उन्होंने देखा होगा कि पबजी का न्यू वर्ज़न आया है, और न्यू वर्ज़न में क्या है कि उसके अंदर एक मूर्ति है। जब जो खिलाड़ी उसमें खेलता है, जब उसकी पावर कम हो जाती है, तो वो उस मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर उसका अदब करता है या झुकता है, ऐसे कुछ भी करता है। मुझे कुछ लोगों ने बताया, मैं तो खेलता नहीं हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे सवालात किए और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ़ोटो भेजे मुझे इस तरीके से करना कैसा है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से करना कैसा है, मुझसे इस तरीके से पूछा गया है। तो मैंने ये देखा, तो एक बात ये जान लीजिए कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर गुनाह को माफ़ कर देता है, लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है। अब शिर्क से जो है वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों से बचना चाहिए। यहाँ तक के अगर शुबा भी हो कि शिर्क का अगर शुबा हो तो उस जगह से बचना चाहिए, उस काम से बचना चाहिए। तो पबजी का जो नया वर्ज़न आया है उसमें मूर्ति है, और मूर्ति के लोग जो है आगे नमन करते हैं या हाथ जोड़कर उसका अदब करते हैं या सजदा करते हैं, कुछ भी इसी तरीके से कुछ करते हैं, तो ये करना कैसा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि शिर्क अगर डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, या शिर्क का शुबा भी हो, तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है जिसकी मुआफ़ी नहीं है। आप लोग इससे ज़रूर बचें, और ये हकीकतन शिर्क ही है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि वो तो मोबाइल के अंदर है, मोबाइल के अंदर जो खिलाड़ी प्लेयर खेल रहा है वो उसको उसकी पूजा कर रहा है, लेकिन आप ये बात तो ध्यान रखें कि उससे करवा कौन रहा है। आपकी उंगली के ऊपर है, आपके अंगूठों के उंगली के ऊपर है कि अगर जब आप उसको टच करोगे तभी वो नमन करेगा उसको, और तभी वो झुकेगा पावर लेने के लिए। तो आप लोग इससे ज़रूर बचें। और पबजी के बारे में तो हमारे उलमा इकराम ने पहले ही बता दिया कि पबजी खेलना कैसा है, अब तो यहाँ तक ये शिर्क तक आ गया है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आपसे मैं दिल से गुजारिश करता हूँ कि ये ऐसे गेम, फालतू के गेम खेलना छोड़ दीजिए, जो आपसे आपके ईमान को जिससे ख़तरा है। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए या मत कीजिए, लेकिन आगे तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। जो मोमिन होगा, जिसके दिल में राय बराबर भी ईमान होगा, तो वो आज से पबजी खेलना बंद कर देगा, क्योंकि उसमें शिर्क होने का शुबा है, बल्कि शिर्क ही हो रहा है। इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन शिर्क हो रहा है। डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन शिर्क हो रहा है। तो मेरी मोमिन भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, बिलखसूस सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि आज के बाद से आप पबजी को अपने फ़ोन से डिलीट कर दीजिए, और आज के बाद पबजी मत खेलिए। और अगर आपके सामने कोई खेलता हो तो उसे ये वीडियो दिखा दीजिए, या आप ख़ुद बता दीजिए कि मेरे भाई ये शिर्क है, आप ऐसा मत करो, इस गेम को मत खेलो। तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।